हेलो दोस्तों, वेलकम एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप साइड में देख रहे हो दो वीडियो चल रही है। एक वीडियो को मैंने कैमरे से शूट किया है जिसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, और दूसरी उसी वीडियो को मैंने एडिट करके उसके बैकग्राउंड को चेंज कर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप कहीं पर भी वीडियो को शूट कर लीजिए, आप भी उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। अगर आपके पीछे ग्रीन स्क्रीन या फिर ग्रीन पर्दा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो ये सब कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट भी कर देना। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम है काइन मास्टर। मैंने ऑलरेडी उसको इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे दोस्तों आप काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लोगे और कुछ ओपन कर लोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे ओके कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको 16:9 इस रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट के ऑप्शन पे ओके कर देना है। अब देखिए दोस्तों, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप कौन सा बैकग्राउंड रखना चाहते हो वो बैकग्राउंड आप डाउनलोड कर लेना। आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे गूगल से, फ्री कॉपीराइट मिल जाएंगे, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। उसके बाद में आप जिस वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो आपको उस वीडियो को यहाँ पे लेके आना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है और आपने जिस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर रखा है उस बैकग्राउंड को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में इसकी लेंथ को मैं यहाँ पे 10 सेकंड तक कर देता हूँ। आपकी जितनी वीडियो की लेंथ है ना उतनी कर देना, 2 मिनट वीडियो है 2 मिनट है, 4 की है तो 4 मिनट है। उसके बाद में इस बैकग्राउंड पे ओके करना है। यहाँ पे पेन एंड जूम का ऑप्शन दिखेगा, इस पे ओके करना है और इसको देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा सा जूम कर देना है आपकी मोबाइल स्क्रीन के बराबर। उसके बाद में यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन दिखेगा, इसको लॉक कर देना है और ओके कर देना है। अब दोस्तों हम उस वीडियो को लेके आते हैं जिसका हम बैकग्राउंड रिमूव करने वाले हैं। तो मैं लेयर पे जाता हूँ, मीडिया पे जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे शूट कर रखी है तो मैं ये वाली वीडियो यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद में मैं इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर देता हूँ और देखिए मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आपको इसको फिट कर देना है। उसके बाद में ओके कर देना है। देखिए दोस्तों, ये मेरी वीडियो है, ये 2 से 3 मिनट की है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ सिंपल सी, अगर आपकी वीडियो 2 से 3 से या 4 मिनट तक की है तो इसमें आपको टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट का या 3 से 4 मिनट का। जैसे कि मैं आपको एक बार रिमूव करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 सेकंड पर कर देता हूँ और इस आगे के भाग को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ और वीडियो का बैकग्राउंड भी मैं यहीं पे रख लेता हूँ। उसके बाद में देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 10 सेकंड पर रख लिया है। अगर आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी है 4 से 5 मिनट की तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, वीडियो पे ओके करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैजिक रिमूवर का, इसको दोस्तों आपको इनेबल कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसको इनेबल करोगे तो देखिए प्लीज़ डू नॉट क्लोज काइन मास्टर और टर्न ऑफ योर डिवाइस, मतलब कि जब तक यह प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को मत करना, अदरवाइज आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है, जो आपकी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो हट नहीं पाएगा। तो हम इसमें थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें आपको बताया था कि आपकी वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा है 4 से 5 मिनट है तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आपको 5 मिनट तक का वेट करना पड़ जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरी 10 सेकंड की वीडियो है, इसमें यह टाइम ले रहा है, इसमें भी दोस्तों कम से कम 1 मिनट के करीब टाइम लग जाएगा। तो आपको उसमें 5 से 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो यह रिमूव हो रहा है, हम इसमें थोड़ा वेट कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊँगा कि किस कितना रिमूव हुआ है, किस तरह की क्वालिटी आई है। अगर वीडियो बैकग्राउंड रिमूव अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो फाइनली हमारा जो बैकग्राउंड है ये रिमूव हो रहा है। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फाइनली हमारा रिमूव हो चुका है। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह का हमारा जो बैकग्राउंड है वह होता है, उसमें कुछ पीछे का बैकग्राउंड अच्छी तरह से रिमूव होता है या नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में तो ये लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बैकग्राउंड मिला है हमें। तो मैं इसकी वीडियो की वॉल्यूम को यहाँ पे एक बार म्यूट कर देता हूँ और देखिए वीडियो को दोस्तों आप कुछ इस तरह से थोड़ी सी जूम कर लेना और कुछ इस साइड में रख लेना, मतलब कि जो पीछे का दृश्य है वो दिख जाए। तो मैं इसको एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा जो बैकग्राउंड है ना वो रिमूव हो चुका है दोस्तों। 90% तो यह बिल्कुल परफेक्ट रिमूव हो चुका है, मतलब कि किसी को नहीं लग रहा कि हमने यहाँ पे वीडियो बनाई है या नहीं बनाई। लेकिन 10% दोस्तों इसमें कुछ मतलब कि कुछ अलग सा हो रहा है, जैसे कि मेरे हाथ के पास कुछ मतलब कुछ लाइट सी लग रही है और ऊपर जो बाल है ना उनके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी लाइट सी लग रही है। तो दोस्तों ये जो तरीका है ना, ये बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका है, इसी से दोस्तों आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। या फिर दोस्तों इससे भी अच्छा, अगर क्वालिटी चाहते हो तो आप ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप जहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड करते हो वहाँ पे पीछे आपको एक ग्रीन पर्दा लगा लेना है और उस पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे उस पर रिकॉर्ड करोगे उसके बाद में, जैसे कि ये ग्रीन स्क्रीन की वीडियो है, इस पर ओके करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे एक क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इसको इनेबल कर देना। इसमें दोस्तों ग्रीन स्क्रीन पे यह वीडियो नहीं है इस पे, इसलिए यह ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। लेकिन ग्रीन स्क्रीन पे अगर वीडियो होगी तो इसको इनेबल कर देना और आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड है अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी रिमूव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी वीडियो को बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं एक ऐसी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।